हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेचर भी। दोस्तों, अगर होम लोन की बात आती है तो उसके पीछे सब्सिडी की बात होती है, क्यों ना हो। यह एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है जो सरकार द्वारा हमें मिलती है, तो हमें लेना ही चाहिए। और लोग अप्लाई तो करते हैं सब्सिडी के लिए, बट बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज रहते हैं कि कितना हमारा सब्सिडी आएगा। तो अपने किसी रिलेटिव के पास जाते हैं जिनको जानते हैं, ये जानकार है इसके बारे में, या किसी बैंकर से संपर्क करते हैं उसके लिए, या किसी एजेंट के थ्रू जाके संपर्क करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, आज उसी चीज पे हम गहराई से बात करेंगे। आज हम हर चीज क्लियर कर देंगे कि सब्सिडी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि कितना सब्सिडी आपका आएगा जो आप अप्लाई किए हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ऑन कर लीजिए, और मोबाइल को ऑन करने के बाद आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे तो उसके बाद उमंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं ओपन मांग रहा है मेरा, तो मैं ओपन करता हूं, आप भी ओपन कर लीजिए। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पे बार बार आ रहा है कि चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट अवेलेबिलिटी। दोस्तों, आजकल कोरोना की महामारी है, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा मुहिम चलाई हुई है, तो उसको आप फॉलो करिए। अगर आपने पहला डोज लिया है तो जाके सेकेंड डोज लीजिए, जो 84 दिन का अंतर उसके दौरान। नहीं तो आप पहला डोज नहीं लगवाए तो पहला डोज ले लीजिए। तो इसको हम डू इट लेटर करते हैं। तो हमें डू इट लेटर करने के बाद अभी हम सर्च ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आप सर्च करिए। मेरा पहले से दिखा रहा है, तो मैं यहीं पे सर्च बटन दबा देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रेस करने के बाद ये पोर्टल खुल आया। ये पोर्टल खुलने के बाद इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 5 ऑप्शन में लास्ट में आप चले जाइए, क्योंकि हम कैलकुलेटर की बात करते हैं। क्लास सब्सिडी कैलकुलेटर को आप ओपन कर लीजिए। ये हमारा क्लास सब्सिडी कैलकुलेटर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क, आप अपने अनुसार खोल लीजिए। तो अभी दोस्तों हमारा सब्सिडी कैलकुलेटर खुल गया। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी से फॉलो करिएगा। एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो जैसे मैंने 4 लाख इसमें एंट्री किया, आप 4 लाख एंट्री कर लीजिए। 4 लाख अगर आपका 3 लाख है, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है आप एंट्री कर लीजिए। तो मैंने 4 लाख किया एक एग्जांपल के लिए। उसके बाद आपको टेन्योर 240 मंथ रखना है, यानी कि 20 साल। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ 20 साल रखना है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ उसका इम्पोर्टेंट। तो इसको 20 साल करते हैं, 240 मंथ, तो 20 साल कर लिया। अब उसके बाद आ रहा है इज दिस योर फर्स्ट पूसा हाउस, तो इसमें यस कर दीजिए। व्हाट इज योर कार्पेट एरिया, आप जो भी डालना है, मैंने जैसे भी 400 का डाल दिया, आपका जो भी है आप उतना डाल लीजिएगा। अब उसके बाद जो आ रहा है क्वेश्चन की दिस इज ओनिंग ओनरशिप प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन, तो उसमें आप यस करिएगा, क्योंकि ओनिंग का प्रॉपर्टी कंसिडरेशन जरूरी है, तो उसमें यस करिए। उसके नीचे आ जाइए तो उसमें लिखा है इज ओनिंग पार्ट ऑफ बेनिफिशियरी फैमिली, उसमें भी यस करिए, क्योंकि विदाउट ओमिन के, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी वाइफ हो, वो बेनिफिशियरी में एक ओमिन का, एक औरत का नाम होना जरूरी है, तो उसको यस कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आप कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2,67,280 रुपए जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्रॉपर उतना ही इसमें दिखा रहा है। यानी कि इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ कि आपको अपने जो 240 मंथ है, यानी कि 20 साल, उसमें मिनिमम होना चाहिए, तो 20 साल आपको मिनिमम लेना है। अगर उससे कम लेते, चलिए देखिए दोस्तों, मैंने अगर 200 मंथ भरा, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, 200 मंथ मैंने भरा, तो अभी वो सेम चीजें बाकी रहने दीजिए। तो उसमें कैलकुलेटर जैसे ही ऑन होता है तो उसमें अभी दिखाएगा कि आपको कितना उसमें घाटा होने वाला है। थोड़ा सा दोस्तों इंटरनेट स्लो है, तो आप देख सकते हैं कि आपको 2,37,056 रुपए रिसीव हुआ। यानी कि मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कम से कम 240 मंथ, यानी कि 20 साल मिनिमम आपको भरना ही है कैलकुलेटर। तो कम से कम आपको मैक्सिमम जितना मतलब सब्सिडी मिले, सभी आप यूटिलाइज करिए, आप सभी उसका एडवांटेज लीजिए। तो आपको 240 मंथ प्रारंभिक, मतलब जो पहला स्टार्टिंग में आप ले लीजिए, बाद में आप 6 महीने बाद आप क्लोज कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। आई होप आप सारी चीजें आपको समझ में आई रहेंगी। एक बार फिर अगर नहीं आता तो दोबारा 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, और इस
इस कैलकुलेटर को यूज कर लीजिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।